रवि, रवि, एक मिनट। आप बहुत अच्छा गाते हो। थैंक्स। रवि, रवि, आप हर चीज में इतने अच्छे हो, फिर पढ़ाई से इतना डरते क्यों हो? यहाँ से ये बॉल उस बास्केट में डालो। Yes! आप इतनी दूर से बॉल डाल सकते हो, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। यही कंसंट्रेशन स्पोर्ट्स के बजाय पढ़ाई में लगाओ, डेफिनेटली टॉप रैंक से पास हो जाओगे। तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? चलना। अरे कम ऑन यार, चलना, बास्केटबॉल खेलते हैं। चल यार, टाइम हो रहा है। हाँ। अबे तू नौटंकी कर रहा है? मुझे तो लगता है उधर कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। चलो चलो। ए रवि, चलना यार, चलना चलना। तबियत तो ठीक है ना? चलना यार, चलना। अरे नहीं यार, मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या बोल रहा है तू? चल चल चल। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन कहां जाता है, प्रॉफिट में या लॉस में? नो टोपी, चल तू बता। टोपी उतार के। अरे बापू, तेरे तो वैसे ही गंगा जमुना बहने लगी, इसमें मैं भी बह जाऊंगा। बैठ जा सुनील, चल तू बता। सर इतनी छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे सर आप? जहां डालना वहां डाल दीजिए ना सर। अच्छा, जहां डालना वहां डाल दूं? वाह रे दानवीर कर्ण, तेरा बाप कमाल है कि जहां डालना वहां डाल दूं। चल चल जल्दी सोच के बता, जल्दी सर, बता। क्लास में इतने सारे लोग हाथ उठाए हुए, जवाब देने के लिए मर रहे। जवाब हम देंगे, हम देंगे। इन सबको छोड़ के आप मेरे पीछे पड़े हुए। मैं सब समझता हूँ सर, इसमें आपकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। अच्छा तो ये पॉलिटिक्स है बेटा? जिस दिन किस्मत खराब होगी और लेक्चरर बनेगा ना, उस दिन समझ में आएगा पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। चल बैठ जा रवि। चलो तुम बताओ। लॉस सर? लॉस में, प्रॉफिट में तो नहीं? नो सर, लॉस ही है। वेरी गुड, मुझे लगा था तुम प्रॉफिट में बताओगे। हाँ भाई, क्या बात है, आजकल बड़े करेक्ट जवाब आने लग गए हैं। ये लड़के पढ़ने लग गए हैं क्या? वसु, 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 वसु। क्या है, थैंक्स बोलना चाहते हो? ट्यूशन कब से शुरू करें? ट्यूशन आज शाम से शुरू करें? मैं? नहीं नहीं, प्लीज वसु, प्लीज प्लीज। नो नो नो, दोस्त और दोस्ती दोनों भूल गया। ए चलना, यू कंटिन्यू। या सो द कैश एंड बैलेंस। ए रवि, रवि एक और बहुत अच्छी जगह पढ़ने के लिए, वहां चले। चलो आओ रवि, बैठो। क्या साहब, नाश्ता या खाना? नाश्ता हो तो 10 रुपया, खाना हो तो 20 रुपया। ऐसा खोपचा दिखाता हूँ कि कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। 20 रुपए निकालो। सॉरी सर, हम लोग ऐसे टाइप के नहीं है, हम लोग पढ़ाई करने आए। अरे एक जवान लड़का और एक जवान लड़की पार्क में आके बैठे हैं और बोल रहे हैं कि पढ़ाई करने आए हैं। कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अरे तुम दोनों दिखते हो लवर्स, हिचकिचाओ मत, चलो खोपचे में 20 रुपए निकालो। वसु चलो कहीं और चलते हैं। कहाँ? दूसरे पार्क में? मेरे घर। चलो।
कोई बात नहीं, अंदर आओ। इतना बड़ा घर, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मैं और मेरे डैडी। बस इतने बड़े घर में सिर्फ दो लोग? जानते हो मेरे घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरे बाबूजी, माँ, बुआ जी, काका, काकी, उनके दो बच्चे, पिताजी के 6 लच्छेद और 3 नौकर, कुल मिलाकर 17 लोग। पता है मेरा घर कितना बड़ा है? नहीं। कितना सा? तुम्हारे बाथरूम जितना। एक काम करते हैं, आप सब लोग मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ और हम सब आपके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है, कौन है ये? ये है वसुंधरा, मेरी क्लासमेट। नमस्ते अंकल। और ये है मेरे मनसुख दादा। मेरे दादा, मेरे डैडी, मेरे मम्मी सब यही हैं। और ये है इनकी पत्नी। नमस्ते। और ये रंजना है, माय हाउसकीपर। हेलो। हेलो। लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? वो नहीं है, बचपन से मैंने ही इसकी देखभाल की है। अच्छा, तो इसलिए तुम लड़कियों से इतना डरते हो। So you've got to find out I. L1 is equal to 300, F1 is equal to 100, okay. FO is equal to 60, and F2 will be 1 on 1 on 2. So you've got to calculate all this to find I. Yeah. लगता है डैडी आ गए। 140 माइनस 60 व्हिच इज इक्वल। अंदर चलकर पढ़ाई करें। ओके। कौन डार्लिंग? मनसुख। हाँ? वो लंदन से मेरा एक पार्सल आने वाला था। आया? आ चुका है सब। Nice. मेरे कमरे में रखो। जी। रंजना, इसे लेके बेडरूम में रखो। जी। What is this? ये सब क्या है मनसुख? जी, वो छोटे बाबू और उनकी क्लासमेट यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। रवि घर में? जी। My son, रवि? Come on, darling, I will introduce my son. रवि, बेटा, come on, आजा बेटे। My son Ravi, successor to my empire. Ravi, चौधरी अंकल को जानते हो ना? उनकी पत्नी मिसेस चौधरी आज रात मुझे कंपनी देने आई है। नमस्ते आंटी। हाय डार्लिंग। रवि, कौन है वो? वो मेरी दोस्त है, वसु। कम, ये है वसु, मेरी क्लासमेट। हेलो अंकल। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? दूध के व्यापारी हैं। दूध के व्यापारी? रवि, तुम एक करोड़पति के बेटे हो, एक करोड़पति के, 200 करोड़ के वारिस। तुम्हें ये दूध बेचने वाले और गोबर निचोड़ने वालों के साथ नहीं घूमना चाहिए। डैडी, मेरी दोस्त है, आपका इस तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुंह बंद रखो, मुझे जवाब देते हो? हंसोख, इस लड़की को बाहर निकालो, ऐसे लोग घर के अंदर नहीं आने चाहिए। क्या करते हो तुम लोग? डैडी प्लीज। डैडी। No, darling. Your daddy is right. ऐसे लोगों के साथ तुम्हें नहीं घूमना चाहिए। You shut up. बदतमीज, घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी करता है। जाओ, जाओ। Cool down, darling. Cool down. ऐसे समय में क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता। But I can say one thing, रवि, आज के बाद तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी हर खुशी, हर गम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरी माँ कैसी थी मुझे मालूम नहीं,
जब मैं बहुत छोटा था तब वो मर गई। डैडी ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन रोज एक मेहमान घर पर लेकर आते हैं। कुछ देर पहले जिस तरह तुमने मुझसे बात की वैसे मेरे डैडी ने कभी नहीं की। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि कैसे रिएक्ट करूं। मैंने तुम्हें गले से लगा लिया, इसके लिए आई एम सॉरी। आज के बाद हम दोनों के बीच में न थैंक्स न सॉरी, ओके? ओके। बाबूजी को लड़का चाहिए था, मगर मैं लड़की की तरह पैदा हुई और माँ होने और बच्चे नहीं दे पाई, इसलिए वो हमेशा मुझसे और माँ से खफा रहते हैं। तब से घर की सारी जिम्मेदारी बुआ के हाथ में है। क्या बचपन है? तुम्हें बाय का मतलब पता है? खुशी खुशी जाओ और सही सलामत वापस आओ। और मुझे पूरा विश्वास है रवि, इस फ्लाइट में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसे मैं जानती हूँ। देन थैंक यू। थैंक यू? क्यों? तुमने मुझे भी बाय कई बार कहा है ना, इसलिए। रवि आओ। रवि, यह है मेरा घर। ओके रवि, बाय। बाय। कौन था वो लड़का, बोल। बाबूजी, वो मेरा फ्रेंड है। वाह 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 वाह, फ्रेंड है, है? दिन भर यार के साथ मस्ती मार कर आई, माँ बाप ने देख लिया तो फ्रेंड है। बुआ जी, आप बीच में मत बोलिए। लो सुन लो बात राजकुमारी की, आज मुझको बोल रही है बीच में मत बोलो, कल जब मटके सा पेट लेकर आएगी ना तो तुझको बोलेगी। अरे मिठुआ, ये चुकरिया तो गई हाथ से। सच सच बोल, कौन था वो लड़का? बाबूजी, वो मेरा दोस्त है। झूठ! देख, सच सच बोल, नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा। मैं सच ही कह रही हूँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और सिर्फ मेरा दोस्त है। बाप के आँख में मिर्ची मत झोंक। वो मेरा पति है, प्यार करती हूँ उससे, शादी भी करना चाहती हूँ उससे, यही सब सुनना चाहते हैं ना आप?